नमस्कार, मैं विवेक और आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़। दोस्तों, किसी देश का मान सम्मान, वहां का गौरव, वहां की गरिमा उस देश की सेना पर भी निर्भर करती है। आपकी सेना जितनी मजबूत होगी, आपका देश उतना ही सुरक्षित रहेगा। लेकिन क्या हो अगर आपके देश की सेना के जवान ही युद्ध में अपनी जान गंवाने की बजाय किन्हीं और कारणों से अपनी जान देने लगे। और ये किस्सा किसी और देश का नहीं, हमारे अपने भारत देश का ही है। अभी पिछले महीने सितम्बर की ही बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल रैंक के 6 अधिकारियों ने हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवाई है। उन सभी ऑफिसर्स की उम्र 40 से 45 साल की थी। इससे पता चलता है हमारी भारतीय सेना में क्वालिटी ऑफ लाइफ की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं रही है। हमारी सेना में नेगेटिविटी और तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 1600 जवान युद्ध की बजाय किन्हीं और कारणों से अपनी जान गंवाते हैं। 30 से 40 तक के ऑफिसरों से बात करने पर यह बात सामने आई है कि 87% लोगों को काम के दबाव में छुट्टी नहीं मिल पाती है। 73% को छुट्टी मिल जाती है लेकिन काम की वजह से फिर से बुला लिया जाता है। इसी रिसर्च में आगे पता चला है कि 63% जवानों की शादीशुदा जीवन पर भी असर पड़ा है। वहीं 85% जवानों का कहना है कि जब वो खाना खाते हैं तब भी उन्हें ऑफिशियल कॉल का आंसर देना होता है। सेना के जवानों में दबाव और नेगेटिविटी होने का एक और कारण भी है कि उन्हें जीरो एरर सिंड्रोम को फॉलो करना पड़ता है। अब ये जीरो एरर सिंड्रोम क्या होता है, यानी कि गलती की कोई गुंजाइश ही ना होना, जीरो एरर। आप जो भी काम करें आपको उसमें 100% सही ही होना है। यहाँ तक कि आपके घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो भी आपको सेना से छुट्टी नहीं मिल पाती है। यहाँ तक कि आप किसी के अंतिम संस्कार तक में नहीं जा सकते, चाहे वो आप ही के परिवार का कोई सदस्य भी हो। बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से सेना का जवान तनाव में आ जाता है, तनाव का शिकार हो जाता है, वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता है। यही वजह है कि आर्मी के कई सारे ऑफिसरों की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। सेना के जवानों में तनाव कम करने के लिए उपाय जो दिए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि पहली बात तो उन्हें जब बहुत आवश्यकता हो तो उन्हें छुट्टी मिल जाए। दूसरी चीज, जीरो एरर सिंड्रोम को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इस रिसर्च के बाद ये जो आंकड़े सामने आए हैं ये बेहद चिंतापूर्ण है। अब देखना ये है सरकार इस तनाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाती है, क्योंकि यदि हमारा जवान ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो देश की रक्षा कैसे करेगा।